नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों, राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2020 की यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्ट जो है 2500 वैकेंसी यहाँ पे जो आई हुई है। दोस्तों, ये राजस्थान होम गार्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 8वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 8वीं पास रखी गई है। अगर आपके पास इससे अधिक भी जो है या ज़्यादा भी जो है इसकी अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वह राजस्थान और दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल सर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जैसे कि मैंने बताया 2500 पे आई हुई है। और उम्र की बात करें यहाँ पे दोस्तों 18 से लेके 35 वर्ष तक है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की एज मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप किसी और भी रीज़न से हैं या आप किसी और भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है यहाँ पे अलग छूट दी जाती है। दोस्तों फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को करना है इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्देशालय गृह रक्षक राजस्थान जयपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली हुई है, और यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि इसकी जो पूरे पता आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गृह रक्षक स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे डेट भी आप लोग देख सकते हैं कि कब की डेट दी गई है। दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 4 मार्च 2020 की यहाँ पे डेट आप लोग को पता होगा कि चार्ट को ये जो है जो इशू की गई थी। ये यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियाँ जो है 2500 पोस्ट पे है। यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने की डेट मैं आपको बता दूँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन ये होगी, और इसे ऑनलाइन ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यह आवेदन पत्र इस विज्ञापन के विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद दिनांक 7/4/2020 यानी कि 7 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 2020 यानी कि इसी वर्ष में से भरा जाना शुरू होगा, और यहाँ पे जो है वह 6 मई 2020, जी हाँ दोस्तों 6 मई 2020 तक जो है ये भरा जा सकेगा। दोस्तों यानी कि आप लोगों को पूरा पूरा जो है 1 महीने का जो है यहाँ पे वह समय मिलता है। दोस्तों तो यहाँ पे जो है वह 7 अप्रैल से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, और 6 मई तक आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेट है आप सभी के लिए, जिन स्टूडेंटों को यहाँ पे जो है वह होम गार्ड में जॉब करनी है इसके लिए। दोस्तों यहाँ पे 2500 पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। चलिए और भी जानकारी आपको मैं देता हूँ आगे चल के। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि आवेदन शुल्क आप सभी की जो है कितनी लगेगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, परीक्षा शुल्क जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे यानी कि जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपया देना होगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूडी, पीएमडब्ल्यू और भी जो भी यहाँ पे कैटेगरी के बचते हैं उन्हें यहाँ पे जो है 175 रुपया जो है देने होगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो है आप लोग को जो भी निचली कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे आपको जो है 175 रुपीज़ जो है वह परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है मेल और फीमेल वाले कैटेगरी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सेम ही जो है यहाँ पे आपको जो है परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए आप सभी। दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो यहाँ पे वैकेंसी जो है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वह किस शहर में जो है कितना आपको यहाँ पे जो है वैकेंसीज मिलती है। ठीक है, उसके बाद अब जो है थोड़ी सी आपको इसके एग्ज़ाम की रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये पोस्ट की बातें हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का परीक्षा केंद्र जो है जहाँ पे जांच होगी वो आप लोग का यहाँ पे प्रदर्शित है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ भी आप लोग चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। सबसे पहला अलवर है, ठीक है, जो राजस्थान में है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बाड़मेर है, उसके बाद यहाँ पे जयपुर है, जोधपुर है। ये 5 केंद्र जो है आप लोग को बनाए जाएंगे जहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे जाके आप अपना जो है परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका जो है नामांकन प्रक्रिया की जो है वह जरूरतें चीज़ें जो है वह पूरी की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है पोस्ट आ चुकी है, जो कि जनरल के लिए 905 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, जनरल के लिए 905 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 514 पोस्ट है, और एमबीसी के लिए 121, और एससी के लिए यहाँ पे जो है वह 418 पोस्ट जो है। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे 304 पोस्ट है। उसके बाद जो पे स्केल जो भी इसकी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगी वो आपको यहाँ पे दी जाएगी।
अब बात करते हैं, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन आपको शुरुआती में ही बता दिया था, 8वीं पास जो भी कैंडिडेट हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल डेट डिटेल के बारे में अगर आपको बता दूँ तो दोस्तों फिजिकल डिटेल जो है यहाँ पे वह जनरल एरिया वाले स्टूडेंटों के लिए, जो भी हाइट आपको बता दूँ सबसे पहले मेल और फीमेल की, तो मेल का यहाँ पे जो है 168 सेंटीमीटर चाहिए होगा, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। उसके चेस्ट की बात करें, अगर चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट को 81 से लेके 86 तक उनकी जो है वह होना चाहिए, उसका फीमेल का चेस्ट नहीं लिया जाता। वेट की अगर बात करें दोस्तों, तो वजन जो आपकी वह मेल कैंडिडेट को जो है वह नहीं लिया जाएगा, ओनली फॉर फीमेल, उनका कम से कम जो है वेट यानी वजन जो है वह 47.5 kg जो है वह मिनिमम होना चाहिए, जो भी मैक्सिमम होना चाहिए वो जितना भी हो सके चलेगा, लेकिन मिनिमम जो उनकी वह 47 kg, यहाँ पे आपकी जो है वह 47.5 kg वजन होनी ही चाहिए। उसके बाद जो है वाराण जो डिस्ट्रिक्ट है सहारिया, वहाँ की अगर बात करें दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि हाइट उनकी जो है एक अगर 60 सेंटीमीटर भी है, 160 सेंटीमीटर मेल का, तभी उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फीमेल का 145 सेंटीमीटर है तभी उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। चेस्ट की बात करें, 74 से 79 जो है मेल का है और फीमेल का नहीं है। इसमें वेट जो है वह मेल के लिए नहीं रखा गया, फीमेल के लिए जो है वह 43 kg रखा गया है। अब रनिंग की बात करते, सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी डिफेंस में जो है आपको वह रनिंग की, तो रनिंग यहाँ पे जो है मार्क्स के आधार पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आपका जो है वह दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, जो आप लोग 1 किलोमीटर जो है आप लोग का रनिंग होगा, जो कि यहाँ पे समय भी दिया गया है आपको, कम से कम जो है मिनिमम समय दिया जाएगा वो 3 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके लिए आप लोग को 15 जो है मार्क्स मिलते हैं। अगर इतने में अगर दौड़ जो है आपकी रनिंग वह पूरा करते हैं तो आपको इतनी जो है वह 15 मार्क्स मिलेगी। अगर आप रनिंग जो है 3 मिनट 20 सेकेंड में अगर पूरा करते हैं तो आपको 23 मार्क्स जो है यहाँ पे 23 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर रनिंग आप जो है 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करते हैं तो आपको 30 मार्क्स जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जितना कम समय में आप रनिंग तय करते हो, आप रनिंग करते हो, उतना जो है यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे मार्क्स मिलेगी और मार्क्स के आधार पर ही आपको चयन की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का बता दूँ, यहाँ पे मेल गलती से टाइप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट फीमेल हैं तो उनके लिए यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है, बस उनकी जो है रनिंग वह 1 किलोमीटर ही होगी। और दूसरी यहाँ पे जो है चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे जो है मिनट यानी कि आपको बढ़ा दिया गया है, 1 मिनट आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड ज़्यादा मिलने को देख रहा होगा। आप जो है रनिंग यहाँ पे 4 मिनट 30 सेकंड में पूरा करते तो 15 मार्क्स मिलती है, 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते तो 23 मार्क्स, और यहाँ पे 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करते तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि इसे अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने सारे जो है लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आज के बाद जो है इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो आएंगी जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदे देने वाले हैं। इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में हम लोग जो है वह बात करने वाले हैं, किस तरह से क्या होगी, तो वो सारी चीज़ आपको मैं समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो है मोड ऑफ सेलेक्शन जो है राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2020 की होगी कैसे, तो सबसे पहले जो आपकी PST होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिए, सबसे पहले आपकी जो है वह PST होगी, उसके बाद जो है PET होगी, उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट होगी। तो यहाँ पे बहुत ही जो है वो टफ कंपटीशन होने वाली है इस बार की राजस्थान होमगार्ड में, क्योंकि सबसे पहले जो है यहाँ पे पहले आती थी वैकेंसी, उसमें रिटन एग्ज़ाम पहले होती थी, उसके बाद ये सारे प्रक्रिया आते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक कैंडिडेट पहले ही छट जाएंगे जो PST और PET नहीं सही से दे पाएंगे, तो उसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा समय समय पर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को देनी थी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।